हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी जो डाउट सेशन है उसके बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीवी एज वेल एज मेडिकल टेस्ट दे दिया है और उनका डीवी मेडिकल टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे से जा चुके हैं। तो अब उसके आगे का प्रोसीजर कब है, क्या कब तक आएगा उनका कॉल लेटर, डीवी और मेडिकल के बाद क्या होता है, उसका आगे का प्रोसीजर क्या रहता है और उससे रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो अपन सभी को जानना चाहिए, अपन उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये ओनली एक जनरल कन्वर्सेशन है आपके और मेरे बीच, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी आरआरसी के द्वारा नहीं दिया गया है, ओनली एक जनरल कन्वर्सेशन है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डाउट सेशन। दोस्तों, डाउट सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है डीवी एज वेल एज मेडिकल के बाद क्या होगा। दोस्तों, डीवी और मेडिकल के बाद जो है अगला प्रोसीजर वो है पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस जिसे अपन पीवीआर के भी नाम से जाना जाता है। पीवीआर दोस्तों, कोई सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो उसमें जो लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है पीवीआर, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो आरआरसी जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भेजी जाती है। इसमें चेक किया जाता है कि आपके ऊपर पिछले कोई मुकदमा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या कुछ आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड चल तो नहीं रहा है। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ये रिपोर्ट आपके आरआरसी पे जाएगी और उसके बाद आपके पास कॉल लेटर आएगा। दोस्तों, बट अभी जो रिसेंट अपन ने सिनेरियो देखा है उसमें बेंगलोर जोन का एज वेल एज अहमदाबाद जोन, दोस्तों अपन अहमदाबाद जोन में अपन ने ये देखा है कि पैनल लिस्ट आई है और बेंगलोर जोन में डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और ईमेल के थ्रू सभी कैंडिडेट्स को एड्रेस, उनको जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनका पीवीआर नहीं होगा, दोस्तों उनका भी पीवीआर होगा बट उनकी ज्वाइनिंग के बाद। बट अगर ज्वाइनिंग के बाद अगर उन पे कोई मुकदमा साबित होता है और मिलता है रिपोर्ट में, तो उनके ऑन द स्पॉट वहीं से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो पद दूसरा जो वेटिंग लिस्ट में उस कैंडिडेट को अलॉट कर दिया जाएगा। दोस्तों, डीवी के बाद अपने को सभी को पता चल गया है कि पीवीआर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगी और फिर उसके बाद दोस्तों जो आपको अप्रॉक्सीमेटली पीवीआर के बाद 15 दिनों का टाइम मिलता है। पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन दो कंडीशन में होता है, एक तो आफ्टर द पब्लिशमेंट ऑफ पैनल लिस्ट और कॉल लेटर के बाद भी हो सकता है। दोस्तों, आप ऐसा ना सोचें कि जिनका कॉल लेटर आ गया तो उनको पीवीआर नहीं होगा, दोस्तों होगा ही होगा। और जो नॉर्मली क्वेश्चन है सभी कैंडिडेट्स के मन में कि यार ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा या हमें कुछ वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा या कुछ रिजल्ट आएगा फाइनल लिस्ट, तो दोस्तों ये दोनों कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन इन द सेंस कि एक तो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है जिस आरआरसी से आपने अप्लाई किया है और दूसरा एक आपकी वहाँ से फाइनल लिस्ट या पैनल लिस्ट भी जारी हो सकती है। दोस्तों, ये आरआरसी पे डिपेंड करता है। दोस्तों, आप सभी को पता है अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन 23rd को अभी एग्जिट पोल था, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 वीक छोड़ के आपका जो लिस्ट होगी पैनल लिस्ट वो रिलीज़ कर दी जाएगी। और अभी भी दोस्तों किसी किसी जोन का डीवी एज वेल एज मेडिकल टेस्ट चल रहा है 15 जून तक। दोस्तों, सभी के सभी डीवी और मेडिकल जो टेस्ट हैं सभी जोन से ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 सभी के सभी जो ज्वाइनिंग लेटर हैं और पीवीआर की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, सभी आरआरसी को, आप सभी को पता है कि अभी एसबीआई की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली, फिर एलआईसी की भी है और अभी एनटीपीसी की भी बहुत बड़ी वैकेंसी की एग्ज़ाम होनी बाकी है। तो दोस्तों, इसीलिए आरआरसी को रेलवे ने नोटिस जारी किया है और कहा गया है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी रिलीज़ किया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली अगस्त के पहले जिन जिन ग्रुप डी के कैंडिडेट्स थे उनको जॉब अलॉटेड हो जानी चाहिए, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आता है तो मैं एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बनाऊंगा और उसे पोस्ट कर दूंगा। आई नो, मुझे पता है अभी बहुत आपके डाउट्स और क्यूरीज रहती है। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे फीडबैक देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अपन ने आज बात की डीवी के बाद क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो पैनल लिस्ट और एक ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी। और दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर अभी दोस्तों जैसे ही अपना इलेक्शन ख़त्म होगा तो धीरे धीरे सभी का, जैसे आपको पता है बेंगलोर जोन और जो अहमदाबाद जोन है दोस्तों उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो धीरे धीरे आपका भी आरआरसी का आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी, चैनल स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन अब तक प्रोवाइड हो जाती है, आपको मिल जाती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो दोस्तों, अगर आप किसी डीवी या मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं मेडिकल टेस्ट से, दोस्तों प्लीज़ वीडियो लिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, बहुत सारे जो जोन है वो हम कवर कर चुके हैं, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।